हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैब ग्रो चैनल। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड SIP पोर्टफोलियो बनाने का। ये वीडियो Part-2 है जिसमें हम एक बहुत शानदार एक मिड कैप फंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है पिछले टाइम में, और आने वाले टाइम में भी इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और काफ़ी शानदार है। शानदार ये म्यूचुअल फंड है और इसका जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे हैं। वो लोग काफ़ी अच्छे से ये फंड को ग्रो करा रहे हैं और अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिला रहे हैं। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। चलिए देर न करते हुए इस फंड के बारे में जानते हैं कि वो कौन सा है, मिड कैप फंड है इस, ताकि हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में हम लोग। तो वो है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का ये जो Part-2 है, जो कि 2018-19-20 और आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो मिड कैप फंड जो मैं बात करूंगा वो आने वाले 4-5 साल 10 साल के लिए बहुत शानदार फंड है। तो उसी के बारे में चलिए उसका नाम जानते हैं हम लोग। तो उससे पहले आप लोगों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे व्यूवर्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर हिट करें। तो दोस्तों, आज जिस मिड कैप के बारे में हम लोग बात करेंगे वो मिड कैप का नाम है L&T मिड कैप फंड, जो एक डायरेक्ट ग्रोथ फंड है और एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है पास्ट में और आने वाले टाइम में कैसा रहेगा, और इस फंड का जो सेक्टर एलोकेशन है वो किस किस सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट करता है और इसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से कंपनीज़ है जिसमें ये इन्वेस्ट करता है। सारे डिटेल हम लोग जानेंगे इसके, और भी डिटेल हम लोग जानेंगे इसका एग्जिट लोड क्या है, इसका NAV क्या है और इसका मार्केट कैप क्या है, और इसका जो जब से ये कब लॉन्च हुआ है उस टाइम से इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसका रिटर्न कैसा रहा, तो सारा डिटेल जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करना। तो जैसा कि दोस्त यहाँ पे मैंने जब एनालिसिस किया तो ये फ़ंड 2004 में अगस्त 9 2004 में ये लॉन्च हुआ था, शुरू हुआ था उस समय, और काफ़ी पुराना फंड है। इसने काफ़ी क्राइसिस देख चुका है, मैच्योर फंड है, और 2008 का भी क्राइसिस ये फ़ंड देख चुका है। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि ये जो फंड है अच्छे से अच्छे टाइम और बुरे से बुरे टाइम से गुजर चुका है। तो काफ़ी ट्राई एंड टेस्टेड है ये फ़ंड, तो इस पर विश्वास कर सकते हैं, और क्रिसिल रैंकिंग में भी नंबर वन है ये फ़ंड। तो जिसका मार्केट कैप 3095 करोड़ का है और इसका करंट NAV है, जो इसका मार्केट प्राइस हो 128 रुपये 11 पैसे का है, जो कि मैं डायरेक्ट ग्रोथ फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका रेगुलर फंड का अगर NAV करें तो वो 122 का है। तो जब भी दोस्तों अपने फंड जब भी म्यूचुअल फंड लें तो डायरेक्ट ग्रोथ फंड ही लें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है तो 1.49% का है, जो कि काफ़ी कम है, 1.5% से भी कम है इसका एक्सपेंस रेशियो। तो जो आपके कॉस्ट कम आएगा इसमें, और आपका जो ये MCO हाउसेज जो और अपना जो चार्ज काटते हैं तो उसमें आपका ये एक्सपेंस रेशियो कम होने से आपका जो पैसा कटेगा वो बहुत कम रहेगा। इसका एग्जिट लोड जो 1% का है, तो अगर आप 1 साल के अंदर में अगर किसी भी म्यूचुअल फंड को बेचते हैं तो उसमें 1% जो एग्जिट लोड लगता है। तो दोस्तों, इसका 1% है विद इन ईयर का। तो यहाँ इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5000 का है। तो आप इस फंड में शुरू करते हैं, मिनिमम 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कम में आप इस फंड में स्टार्ट नहीं कर सकते। मिनिमम अमाउंट जो है वो 5000 है। अगर क्रिसिल रैंकिंग के बारे में हम लोग बात करें तो क्रिसिल रैंकिंग 5 स्टार दिया है, जो कि नंबर 1 है, और इसका देखिए डैशबोर्ड ग्राफ जो है उसमें भी इसका इंडिकेशन जो शो कर रहा है वेरी गुड परफॉर्मेंस है, नंबर 1 है मिड कैप कैटेगरी में। तो बहुत अच्छा है क्रिसिल रैंकिंग, जाने माने रैंक प्रोवाइड करता है म्यूचुअल फंड को। तो इसका रैंकिंग को बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है ये जो रैंकिंग 5 स्टार जिस फंड को देता है उसको बहुत अच्छा फंड माना जाता है। तो यहाँ पे अगर 5 साल का हम लोग टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो 5 साल में इस फंड ने कैसे परफॉर्मेंस दिया था, यहाँ पे 2013 में देख सकते हैं, 2013 से लेकर 2018 तक। तो 2013 में देखिए ये इस फंड का NAV 40 रुपये के आसपास था, और अभी ये दिसंबर 2017 में हाईएस्ट गया था 162। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट
4 साढ़े 4 साल के अंदर में इस फंड ने करीब करीब 4 गुना रिटर्न दे दिया है। अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो 4 साढ़े 4 लाख रुपए इसका 4 साल के आसपास में हो जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो ब्लू लाइन है वो है इस एल एन टी फंड का लाइन है जो इसका परफॉर्मेंस दिखा रहा है ग्राफ, जो तेज़ी से ऊपर की ओर जा रहा है। और ये जो येलो कलर का जो लाइन है वो है कि निफ्टी मिड कैप का है। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी मिड कैप इससे काफ़ी नीचे रहा हमेशा, और एल एन टी मिड कैप हमेशा ऊपर की ओर रहा। तो इस दोनों में डिफरेंस भी काफ़ी का है, काफ़ी गैप है दोनों के बीच में। तो हमेशा एल एन टी फंड हमेशा ऊपर की ओर रहा। इसका टेक्निकल चार्ट भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। तो अगर हम फंड्स डिटेल ईयर वाइज अगर देखते हैं परफॉर्मेंस, तो ये साल तो पूरा गिरावट का दौर रहा, जिसमें इस काफ़ी फंड ने तो 30-30% गिरा है, लेकिन ये फंड ने करीब करीब 12.65% ही नीचे गया है। और 3 साल में इसका 11.83% का इसका रिटर्न रहा, और 5 साल में काफ़ी शानदार रहा, 25.71% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, मतलब 2004 से लेकर 2018 तक, जो फंड का रिटर्न वो 20% ऑलमोस्ट 21% के आसपास रिटर्न है। तो ये एक बहुत बड़ी कंपाउंडेड होता है। अगर किसी फंड का 10 साल 12 साल अगर 20-21% लगातार कंपाउंडेड अगर रिटर्न हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और पैसा को बहुत ह्यूज अमाउंट बना सकता है इस तरह का रिटर्न अगर हो तो। अगर मैं इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, तो ये फंड यहाँ पे देखिए, ये चूंकि मिड कैप है तो अभी ये टोटली पैसा ऑलमोस्ट 85% जो है ये मिड कैप कैटेगरी में, मिड कैप वाले कंपनी में इन्वेस्ट करता है। और जो 4.31% है वो जो लार्ज कंपनी में इन्वेस्ट करता है, और बाकी स्मॉल कैप में ये करीब करीब 10.62% का ही इन्वेस्ट करता है। इसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप साइज कंपनी में होती है। अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें, तो बैंकिंग और फाइनेंस में 17.45% का इन्वेस्टमेंट है इसका, और इंजीनियरिंग सेक्टर में 11.40% का इन्वेस्टमेंट है, और केमिकल सेक्टर में 10.15% का इसका इन्वेस्टमेंट है, और सीमेंट सेक्टर में इसका 9.39% का इन्वेस्टमेंट, और सर्विसेज में 7.62% का इन्वेस्टमेंट, और फार्मास्यूटिकल कंपनी में 6.66% का इसका इन्वेस्टमेंट है। तो ये रहा सेक्टर एलोकेशन, किस किस सेक्टर में कितने परसेंट ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। अगर इसके पोर्टफोलियो में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से कंपनी है जो ये फंड इसमें इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनीज़ है जो मिड साइज़ कंपनी है जिसमें ये एल&टी मिड कैप फंड इन्वेस्ट करता है। तो जिसका सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अगर एसेट एलोकेशन है, जो सबसे ज़्यादा जिस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता है, तो वो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो कि 3.42% का इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर बर्जर पेंट्स इंडिया है, जो 2.89% का इन्वेस्टमेंट करता है। इमामी जो है कि वो FMCG सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसमें 2.76% का इन्वेस्टमेंट है। RBL बैंक जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से 2.56 का इन्वेस्टमेंट है। और देखिए यहाँ पे रामको सीमेंट्स है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता है, उसमें इसका इन्वेस्टमेंट 2.47 का है। और सिटी यूनियन बैंक वहीं फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसमें 2.39% का इन्वेस्टमेंट है। माइंडट्री जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है आईटी कंपनी से बिलोंग करता है, 2.37 का इन्वेस्टमेंट है, परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट है इसमें। वहीं अगर एक्साइड इंडस्ट्री बात करते, जो इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, उसमें 2.28% का इन्वेस्टमेंट है। और ग्रेफाइट इंडिया जो इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, उसमें भी इसका 2.13% का इन्वेस्टमेंट है। उसी में अबॉट इंडिया जो है, जो हेल्थ केयर सेक्टर से 2.11 का है। और यहाँ पर देखिए कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस जो फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता है, उसमें 2.09% का इन्वेस्टमेंट। टोरेंट जो आप सभी जानते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हेल्थ सेक्टर से, उसमें 2.08% का इन्वेस्टमेंट है। इंफेसिस जो है कि आईटी कंपनी है, वो भी उसमें भी 2% का इन्वेस्टमेंट है। ACC जो है कंस्ट्रक्शन एक सीमेंट कंपनी है, सीमेंट बनाने वाली कंपनी, उसमें भी ऑलमोस्ट 2% का इन्वेस्टमेंट है। अगर आगे के पोर्टफोलियो अगर देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए डेविस लेबोरेटरीज है, उसमें 1.9% है। सुंदरम जो इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, उसमें 1.88% है। श्री सीमेंट है जो कंस्ट्रक्शन से 1.87 है। सुंदरम फाइनेंस जो फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता है, 1.79% है। AIA इंजीनियरिंग है जो कि मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है, उसमें वो भी 1.79% का इन्वेस्टमेंट है।
यहाँ पे देखिए सर्विसेज सेक्टर में जो इंडियन होटल है उसमें भी इसने 1.77% का इन्वेस्टमेंट किया है। अपोलो हॉस्पिटल है जो हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करता है, 1.65% का इन्वेस्टमेंट है। कीमेंस इंडिया जो इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, उसमें 1.56% का इन्वेस्टमेंट है। वेल्सपन इंडिया जो है कि टेक्सटाइल कंपनी है, 1.46% का इन्वेस्टमेंट है। इसमें स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन बेस्ड कंपनी है, ये भी बहुत शानदार कंपनी, इसमें भी इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, जिसका परसेंटेज एसेट एलोकेशन है 1.43% का है। वहीं पे बायर क्रॉप साइंस जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसमें इसका 1.43% का इन्वेस्टमेंट है। तो ये रहा टॉप होल्डिंग इस कंपनी टॉप होल्डिंग कंपनीज़ हैं जो कि एल&टी मिड कैप फंड इसमें इन्वेस्ट करता है दोस्तों। तो ये रहा आज का इन्फॉर्मेशन जो एल&टी मिड कैप के बारे में हम लोग बताएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों जो भी हमारे व्यूअर्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल बटन को ज़रूर हिट करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।